आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, प्रदेश भर में अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बड़ी खबर, प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ अभी आवाज उठ रही है। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में उतरे लोग, तो आज सुबह 11 बजे सुन्नी में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रशासन की ओर से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, जो कि अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, प्रदेश भर में से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में लोग जो है वो उतर आए हैं। आज सुबह 11 बजे सुन्नी में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रशासन की ओर से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में उतरे हैं लोग, तो आज सुबह 11 बजे सुन्नी में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर से अवैध निर्माण जो किए गए हैं उस पर अब लोगों की आवाज जो है वो उठने लगी है। प्रशासन की ओर से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, जो कि काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाजें उठने लगी। हालांकि मामला भी कोर्ट में लंबित है। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में लोग उतर आए हैं। आज सुबह 11 बजे सुन्नी में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रशासन की ओर से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला, प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में लोग उतर आए हैं, तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन की ओर से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला काफी गर्माता जा रहा है। हिमाचल के सुन्नी में अवैध मस्जिद के विरोध में लोग उतर आए हैं। आज सुबह 11 बजे सुन्नी में बड़े विरोध प्रदर्शन का जो आह्वान है वो किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामला काफी तूल पकड़ गया है। प्रदेश भर में अवैध निर्माण को लेकर अब इसके खिलाफ आवाजें जो है वो उठ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध मस्जिद निर्माण मामले को लेकर लगातार हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, और आज एक बार फिर से आह्वान किया गया है बड़े प्रदर्शन का। रॉबिन शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, अवैध मस्जिद निर्माण मामले की जो आग है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आज फिर एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश भर से जो है अवैध मस्जिद निर्माण हमारे सामने आने लगे हैं, और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। पहले संजौली में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद मंडी, और आज अब सुन्नी में भी ये शिमला के बड़ी इलाका पड़ता है, जहाँ पर भी जो है बड़े स्तर पर प्रदर्शन की कॉल दी गई है। करीब 11 बजे यहाँ पर संगठनों की ओर से बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, और इसको देखते हुए पहले ही सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, और खास तौर पर किस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई रखनी है इसको लेकर भी पूरी की तैयारी होगी, क्योंकि पहले ही इसको लेकर जो कॉल है वो संगठनों की ओर से की गई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश भर से जैसे मामले सामने आ रहे हैं, केवल सुनी बल्कि आज घुमावी में भी जो है बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए पूरे प्रदेश भर में अवैध निर्माण के बाद जो मामला हिमाचल प्रदेश संजौली से शुरू हुआ था, अब उस पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला, और प्रदेश भर से मामले सामने आ रहे हैं, और उसके विरोध में प्रदर्शन करने भी लोग भारी मात्रा में उतर रहे हैं। हमने पहले मंडी की तस्वीरें देखी, उससे पहले संजौली की तस्वीरें देखी, और आज एक बड़ा प्रदर्शन सुन्नी में देखने को मिल सकता है। हालांकि 11 बजे कॉल है, किस तरह यहाँ पर जो है प्रशासन और प्रदर्शनकारी है उनका क्या यहाँ पर रहता है ये देखने वाली बात होगी, मगर एक बड़े प्रदर्शन की कॉल आज एक बार फिर प्रदेश में खासतौर पर सुन्नी में की गई है।
अच्छा रॉबिन, पुलिस प्रशासन के इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि खासी मशक्कत अभी हमने हाल फिलहाल देखा करनी पड़ी थी और लाठियां भी चलानी पड़ी क्योंकि स्थिति काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब ऐसे में मामला कोर्ट में लंबित है लेकिन कानून व्यवस्था पहाड़ों पर खराब ना होने पाए, इसको लेकर शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश जब जोली से एक पूरा विवाद शुरू हुआ, पूरे प्रदेश में देखा जाना था और इसकी जो आशंका है वो पहले से जताई जा रही थी और इसको लेकर जो है पहले ही प्रशासन की ओर से सारे जिलों के जिलाधीशों और इसके अलावा जो एसपी है सभी जिलों के, सभी 12 जिलों के, उन्हें अलर्ट पे रहने को कहा गया था और जहां जहां जैसे मामले सामने आ रहे हैं उनको एक लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट में था। पर फिर भी अगर जिस तरह का पत्रकार ने कल मंडी में देखा, पहले से वहां पर प्रशासन की तैयारी थी, के बाद वहां धारा भी लगा दी गई लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो है रात में जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच गए थे। ऐसे वहां पर करना पड़ा और मुश्किल से जो है प्रशासन और प्रदर्शनकारी है उनको रोकते हुए नजर आए, वहां पर एक संघर्ष भी दोनों के बीच देखने को मिला। अब आप सुनने की क्या निकल कर सामने आती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 11 बजे आज जो है बड़े प्रदर्शन की कॉल है और प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिला है, खासकर परिषद हो, देवभूमि संघर्ष समिति हो, तमाम बड़े संगठन भी जो है वो स्थानीय लोगों के समर्थन में है और ऐसे में बड़े प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन है उसके लिए चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे उभरता है और दूसरों जिस तरह से प्रदर्शन को प्रदेश भर में देखने को मिल रहे हैं इसका असर ये कि बीते कल एक सर्वदलीय बैठक भी सचिव प्रदेश में हुई है जहां जिस पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में गरमाया हुआ है वो ये कि अवैध निर्माण के साथ साथ जो बाहरी लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं है और जो स्थानीय लोग सुनने के हैं उनका भी यही कहना है कि बीते कुछ समय में जो बाहर से आने वाले प्रवासी खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी तादाद अचानक से बढ़ती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये बहुत गंभीर होते जा रहा है और सरकार को प्रशासन के साथ मिलकर इस पर काम करने की सख्त जरूरत है और पूरे प्रदेश भर में ही इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन रॉबिन, ये सुनिश्चित करना तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, खासकर जो स्टेट इंटेलिजेंस है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पर कोई दुकान लगा रहा है या इस तरीके का कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके के निर्माणों पर ध्यान रखें। अभी हमने देखा तहबाजारी को लेकर भी काफी मामला गरमाया हुआ, हिंदू परिषद वालों ने बाजार बंद का आह्वान किया, हालांकि शिमला पे इसका असर नहीं दिखेगा, तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सर की भी रही है कि इस तरीके के निर्माण क्यों होने दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है कि जिस तरह से समय में लगातार तहबाजारी हो या दूसरे व्यापार करने वाले लोग हो, खासतौर पर बाहरी लोग, उनका अचानक जो आना है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा है और कहीं ना कहीं जिस तरह प्रकरण पहले मुलियाना में शुरू हुआ या स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट हुई तो उसने ये ट्रिगर पॉइंट रेज किया जिसके बाद से पूरे प्रदेश में जो लोग हैं वो हिस्सा विरोध कर रहे हैं और खासतौर पर प्रशासन सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से भी इसमें कहा गया है कि जो बाहर बाजारी हैं या किसी भी काम के लिए आने वाले लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन को लेकर पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी और इसके लिए पहले जो विभिन्न दलों की कमेटी है, संयुक्त कमेटी, इसके गठन की जो बात है इसको लेकर कल सर्वदलीय बैठक में भी प्रस्ताव पारित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नियम है वो हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी किसी को तरह से नहीं रोकते हैं और ना आगे इसको रोका जा सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हिमाचल भी जो भारत है उसका एक अभिन्न है तो ऐसे में लेकिन इनकी वेरिफिकेशन हो। खासतौर पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो लोग जहां से आ रहे हैं वहां के स्थानीय स्थानीय जो आप स्टेशन है उनमें क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है लोगों का, इस तरह की जो जांच है उसकी एक सही तरीके से रिपोर्ट जो है वो पेश हो ताकि पहचान इन लोगों की बात करने वाले की ढंग से हो, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या साफ बैकग्राउंड से है, इसको लेकर चिंता बेहद बड़ी है और ऐसे में इसको लेकर प्रशासन के स्तर पर भी सरकार काम की बात कर रही कह रही है और खासतौर पर कानून बनाने के को लेकर भी इसमें सरकार बात कह रही है। लेकिन अभी पूरे प्रदेश में जो है मामला थोड़ा गरमाया हुआ है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहे हैं
और सवाल सिर्फ एक मांग सिर्फ एक है कि अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाए जी, और दूसरा तह सरकारी बात है इनके इनके लिए वेरिफिकेशन की प्रॉपर जो है तैयार की जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए।